प्याज की खेती। राघव हर साल अपने खेतों में सिर्फ और सिर्फ प्याज की खेती किया करता था। अक्सर वो इस बात का ध्यान रखता था कि बाजार में कौन सी सब्जी की बहुत ज्यादा डिमांड है, अक्सर उसी सब्जी का वो खेती किया करता था। प्याज की हमेशा ही बाजार में अच्छी डिमांड रहती थी, इसीलिए वो ज्यादातर प्याज ही बोता था। एक साल प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। राघव की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, बीज डालने का समय हो गया है। पूरे गांव ने बीज डाल भी दिए और आप अभी तक बाजार से बीज लेकर भी नहीं आए हो, बात क्या है? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो, आज वहीं जाने का मेरा प्रोग्राम है। मैं शहर जाकर बीज लेकर आता हूँ और उसी दुकान से लाऊंगा जहाँ से हमेशा से लाता हूँ। मुनाफा तो बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। राघव शहर उसी दुकान पर जाता है जहाँ से वो हर साल बीज लेकर आया करता था, लेकिन इस साल वो दुकान बंद थी। आसपास पूछने के बाद पता चलता है कि अब वो दुकान घाटे में जा रही थी, इसीलिए हमेशा के लिए बंद हो गई। राघव को किसी और दुकानदार और उसके बीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। राघव खाली हाथ घर लौट आता है। उसकी पत्नी ये सारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। ये आपने क्या किया? एक दुकान बंद हो गई तो क्या हुआ? अरे किसी और दुकान से ले लेते, सारी दुनिया एक ही दुकान से हमेशा ही थोड़ी ना बीज लेती है। अब क्या बोओगे, क्या करोगे? मैं तो कहती हूँ कल ही जाओ और जाकर बीज लेकर आओ। अगले दिन राघव नई नई दुकानों पर जाकर बीज के लिए बात करता है, मगर कहीं भी उसे प्याज के बीज नहीं मिलते। पूरे बाजार में प्याज के बीज खत्म हो चुके थे। यही बात जब वो घर में पत्नी को आकर बताता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ, अब क्या करेंगे? मुनाफा तो छोड़िए, खेती करना ही मुश्किल है बिना बीज के तो। राघव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहता है, मैं जानता था तुम यही कहोगी, लेकिन इस बार मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? राघव घर में पड़ा हुआ एक पुराना संदूक खोलता है और उसमें से कुछ बीज निकालता है। अपनी पत्नी को दिखाते हुए राघव कहता है, ये बीज देख रही हो, ये मरते हुए माँ ने मुझे दिए थे। ये कोई आम बीज नहीं है, ये बहुत अच्छी फसल के बीज हैं। माँ ने कहा था, कभी किसी मौसम में अगर ऐसा हो कि बीज न मिले तो इन बीजों को खेतों में डालकर गुजारा कर लेना। माँ तो माँ होती है ना, देख मेरे पास बीज हैं। इस बार तो फसल ऐसी होगी कि पूरे गांव के पास ऐसी प्याज न मिलेगी। हाँ, ये तो आपने सच में कमाल की बात कर दी। अगले ही दिन राघव अपनी पत्नी के साथ खेतों में बीज डाल देता है। खेतों में बीज डालने के बाद एक अजीब चीज होती है। एक एक प्याज का साइज इतना बड़ा होता है कि हर कोई दूर दूर से उसके खेत देखने आता है। एक एक प्याज 5-5 किलो का था। ना केवल राघव का प्याज दूर देश तक जाता है, बल्कि उसे इस बात का बहुत मुनाफा भी होता है। कभी कभी नुकसान के पीछे भी कोई फायदा होता है, बस हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। जादुई संतरे का पेड़। चिंटू हर रोज अपनी माँ के सोने के बाद पास के गांव से बाग में लगे हुए छोटे छोटे मीठे मीठे संतरे तोड़ने के लिए जाया करता था। कभी कभी वो अपने दोस्त मिंटू को भी अपने साथ ले जाया करता था। एक दिन चिंटू की माँ ने सोने से पहले उसे चेतावनी दी। देख चिंटू, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह 4 बजे की उठी होती हूँ, सारा शरीर टूट रहा है, कितना काम भी बाकी है, अब मुझे 1 घंटा सोने देना, बिल्कुल परेशान मत करना। और खबरदार जो तू पास वाले बाग में गया, तू जानता नहीं वहाँ सांप बिच्छू ना जाने कैसे कैसे जीव है, कहीं किसी ने तुझे काट लिया तो क्या होगा, तू मेरी इकलौती संतान है रे। अरे माँ तुम परेशान क्यों होती हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम आराम से सो जाओ। पक्का? हाँ हाँ पक्का। माँ के सोते ही वादा चिंटू भूल गया
और चला गया अपने दोस्त मिंटू के साथ पास वाले बाग में, जहाँ मीठे मीठे रसीले संतरे लगे हुए थे। अरे मिंटू, माँ ने कहा है जल्दी आने के लिए, अगर जल्दी ना पहुँचा तो वादा टूट जाएगा और आज तो पक्का पिटाई होगी यार। अरे अरे, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू चिंता मत कर, फटाफट संतरे तोड़ते हैं और घर जाकर खाएंगे, ठीक है? हाँ यार, ये ठीक है। चिंटू और मिंटू बाग में बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, फटाफट संतरे तोड़ते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। चिंटू अपनी माँ के उठने से पहले पहुँच जाता है और संतरे मजे से खाने लगता है। अचानक उसकी झोली में जितने भी संतरे थे सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक संतरा उससे छीनने का नाम ही नहीं लेता। जैसे ही उसकी माँ नींद से जागती है तो चिंटू उससे कहता है, माँ ये संतरा तो मुझसे खुल ही नहीं रहा। अरे, तू फिर से गया था क्या बाग में? अरे माँ, ये तो कल का पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, दिखा मुझे। चिंटू की माँ उस संतरे को देखकर हैरान रह जाती है। बेटा चिंटू, ये कोई खाने वाला संतरा नहीं है, ये तो सोने का है। क्या कहा माँ, सोने का? हाँ, ये देख बेटा। माँ, अब तो हमारी गरीबी दूर हो गई, हमारे पास बहुत पैसे आएंगे ना। पहले ये बता, तू ये लाया कहाँ से? चिंटू अपनी माँ को सारी बात सच बता देता है। दोनों माँ बेटा बाग में पहुँचते हैं और तब चिंटू की माँ की नज़र एक बड़े से पेड़ पर जाती है, जहाँ पर सारे ही संतरे सोने के थे। अरे चिंटू बेटा, ये तो कमाल हो गया, सोने के हैं सारे संतरे, जल्दी जल्दी तोड़, भगवान ने मेरी सुन ली, अब तो गरीबी गई रे गई, अब तो भाई कोई चिंता नहीं, चल बेटा मैं भी तेरे साथ ही पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। दोनों माँ बेटा पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सारे के सारे संतरे तोड़ लाते हैं और धीरे धीरे उनकी गरीबी बिल्कुल दूर हो जाती है। बांस पैसा चोर। एक गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था, वो बहुत ही शैतान और बदमाश था। वो चाकू छुरी चलाने में बहुत माहिर था और वो इसी के बल पर पूरे गांव में चोरी और डाके डाला करता था। पूरे गांव के लोग उससे बहुत ही परेशान थे। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर सरपंच के पास उसकी शिकायत लेकर गए। सरपंच जी, देखिए, इस किशन ने बहुत तंग किया हुआ है, जब देखो हमें लूटता रहता है, अब तो इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है, आप कुछ कीजिए वरना हम सभी लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। गांव वालों की शिकायत सुनकर सरपंच ने कहा, ठीक है, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं कल ही शहर जाकर बड़े थानेदार साहब से बात करता हूँ, वही कुछ हल निकालेंगे। और अगले दिन सरपंच किशन की शिकायत लेकर गांव से शहर बड़े थाने गया और सरपंच ने वहां जाकर इंस्पेक्टर विजय को सारी बात बताई। सरपंच की बात सुनकर इंस्पेक्टर विजय ने हवलदार से कहा, अरे हवलदार सुनो, अभी जीप निकालो, हम खुद जाकर गांव में रहेंगे, फिर देखते हैं किशन कैसे बचता है। और इंस्पेक्टर विजय सरपंच और अपने साथियों को लेकर गांव में बिना वर्दी के आ जाता है और उसी रात इंस्पेक्टर विजय किशन को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसे जेल में बंद कर देता है। जेल में किशन बांस के फर्नीचर बनाने का काम सीखता है, लेकिन वो सुधरने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद से ये काम सीख रहा था। अपनी सजा काटने के बाद जब किशन बाहर आता है तो वो फिर से चोरी करना शुरू कर देता है और दिखावे के लिए गांव में ही एक बांस के फर्नीचर बनाने की दुकान खोल लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद किशन शहर जाकर वहाँ एक बड़े बैंक में चोरी करता है और सारा पैसा एक बड़े बांस के फर्नीचर में छुपा देता है ताकि किसी को पता ही नहीं चले। अगले दिन सुबह शहर में हंगामा मच जाता है और इंस्पेक्टर विजय को इसकी छानबीन करने के आदेश दिए जाते हैं। इंस्पेक्टर विजय को सीधा सीधा किशन पे शक होता है और वो पुलिस को लेकर किशन की दुकान में आते हैं। अरे किशन, कैसे हो भाई? आइए साहब, आइए, देखिए ना, मैंने तो सब चोरी चकारी छोड़ दिया है, बस अब मेहनत करता हूँ, दो रोटी कमा लेता हूँ। अरे वाह किशन, तुमने तो बड़ा अच्छा फर्नीचर बनाया है भाई। अरे ये इतने मोटे बांस की कुर्सी ये किसने बनवाई है भाई? अरे नहीं साहब, ये तो बस मैंने दुकान में रखने के लिए बनाई है, लोगों को सैंपल दिखाना पड़ता है ना, इसीलिए मैंने मोटे बांस की बनाई है ताकि ज़्यादा दिन तक टिकी रहे।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है भाई, हमें इसे भेज दो। अरे नहीं साहब, जैसा मैंने कहा ना, ये तो बस दुकान में रखने के लिए बनाई है। किशन की बात सुनकर इंस्पेक्टर को उस पर शक होता है और वो अपने खोजी कुत्तों को बुलाता है। खोजी कुत्ते जैसे ही किशन की दुकान में आते हैं तो मोटे बांस की कुर्सी की ओर देखकर भौंकने लगते हैं। कुत्तों को भौंकता देखकर इंस्पेक्टर विजय सारी बात समझ जाता है और वो तुरंत सिपाहियों को आदेश देता है कि बांस की कुर्सी को तोड़ दिया जाए। सिपाही बांस की कुर्सी तोड़ते हैं और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसके अंदर से तो नोट ही नोट निकल रहे थे, वो भी बैंक के डाके वाले नोट। और किशन की बांस में पैसा छुपाने की साजिश नाकामयाब होती है और पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है और फिर से सभी लोग गांव में निश्चिंत होकर रहने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, चोरी का फल बुरा ही होता है।